ओके सो प्रोजेक्ट एट शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट एट के अंदर हम एक सिंपल वेब ऐप बनाएंगे जिसके अंदर हम API कॉल करेंगे themealdatabase.com, और हम फिर जो ऐप बनाएंगे उसमें UI डिस्प्ले करेंगे जिसके अंदर एक फॉर्म होगा, और फॉर्म के अंदर आप सर्च के अंदर इनपुट टाइप कर सकते हैं और सर्च बटन होगा। जब सर्च हो जाएगा तो फिर API को कॉल करेंगे, और ये API क्या करती है कि रैंडम रेसिपीज जो है ना वो देती है, रिटर्न करती है। तो उससे हम मील्स गेट करेंगे, फिर उसको हम डॉम के अंदर डिस्प्ले करा देंगे और कुछ CSS इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे उसके अंदर। फिर अगर किसी जब जब API कॉल करेंगे तो एक लिस्ट आ जाएगी काफ़ी सारी रेसिपीज की, तो किसी एक पे अगर क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल्स शो करा देंगे, ठीक है। और कोई एक एक्स्ट्रा बटन हम ऐड करेंगे जिससे रैंडम मील जनरेट करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इट्स दैट्स इट, इसके अंदर ये करना है हमें। तो API कॉल्स पे और काम होगा, थोड़ा सा डॉम मैनिपुलेशन पे काम करेंगे एंड कुछ CSS वगैरह। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यहाँ पर हम प्रोजेक्ट एट का मील जनरेटर प्रोजेक्ट एट प्रोजेक्ट एट अच्छा, इस प्रोजेक्ट सॉरी इसके अंदर हमारे पास वही सेम थ्री फाइल्स होंगी, इंडेक्स, स्टाइल शीट एंड जावास्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट और जेस, ठीक है। तो ये हमारी फाइल्स हो गई। अब हम अपना स्ट्रक्चर बना लेते हैं, गो लाइव भी कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट ऑन द स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम अपना HTML बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेते हैं, एंड वी कैन डू रॉन्ग फाइल इंडेक्स। सो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं रैंडम मील जनरेटर, या सिर्फ मील जनरेटर कर लेते हैं। फिर इसकी स्टाइल शीट को लिंक कर लेते हैं एंड जावास्क्रिप्ट को भी। फिर हम फॉन्ट ऑसम ऐड कर लेते हैं, ये CDN से ऐड कर लेते हैं, इट बी इजियर। तो ये फॉन्ट ऑसम हो गया। अब हम स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बॉडी के अंदर एक कंटेनर क्रिएट कर लेते हैं, कंटेनर के अंदर हमारा कंटेंट आ जाएगा। फिर यहाँ पर एक हेडिंग अप्लाई कर लेते हैं, लेट्स कॉल इट क्या नाम दिया हमने, मील जनरेटर। फिर इस डिव के अंदर हम एक एक और डिव बना लेते हैं, और इसको हम कह लेते हैं, इसको क्लास दे देते हैं फ्लेक्स। इसकी फिर हम स्टाइलिंग कर लेंगे ताकि जो हमारी रेसिपीज डिस्प्ले होंगी उसकी उसकी हम स्टाइलिंग कर देंगे, हॉरिजॉन्टली अलाइन कर देंगे उसको। फिर यहाँ पर फ्लेक्स के अंदर हम एक और एक यहाँ पर हम फॉर्म क्रिएट करेंगे जिससे यूज़र रेसिपी सर्च कर सके। तो यहाँ पर विल क्रिएट अ फॉर्म, और इसको क्लास, इसको भी क्लास फ्लेक्स दे देंगे, एंड इसको
इसको फॉर्म को हमने जावास्क्रिप्ट में यूज करना है, तो इसको हम आईडी दे देते हैं, लेट्स कॉल इट, इसको कह देते हैं फॉर्म, या इसको सबमिट कर देते हैं, एक्शन रिमूव कर देते हैं, एंड दैट्स द फॉर्म. जब फिर फॉर्म के अंदर हमें एक इनपुट फील्ड चाहिए जिससे हम सर्च कर सकें, तो वी कैन डू इनपुट सर्च. ठीक है, तो इसको आईडी हमने दे दिया सर्च की. फिर इसको प्लेस होल्डर असाइन कर देते हैं ताकि यूआई में कुछ साथ में डिस्प्ले हो. एम्प्टी फील्ड ना, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं सिर्फ सर्च लिख देते हैं. ये हमारा इनपुट हो गया. फिर फॉर्म के अंदर हमें सिर्फ इनपुट फील्ड चाहिए थी और कुछ नहीं चाहिए थी, इट्स जस्ट अ सर्च सर्च फॉर्म. इसको सबमिट करने के लिए हमें फॉर्म चाहिए, तो वी कैन हैव अ बटन. इसको हम क्लास असाइन कर देते हैं सर्च बटन. ठीक है, और इसको टाइप असाइन कर देते हैं सबमिट. एंड देन सबमिट बटन के अंदर यहाँ पर हम एक आइकन ऐड कर देते हैं फॉन्ट ऑसम से. वी कैन हैव आइकन डॉट फॉन्ट ऑसम. फॉन्ट ऑसम सर्च से जो सर्च वाला आइकन है वो आ जाएगा इसके अंदर. ओके, तो समथिंग लाइक इस टाइप का आइकन है. ठीक है, तो हमारी सर्च बॉक्स आ गया, सर्च बटन आ गया. ओके, नेक्स्ट हम फॉर्म के बाहर तो हमारा फ्लेक्स वाला डिव है, फिर हमारा फॉर्म है. इसी डिव के अंदर लेकिन फॉर्म के बाहर हम एक और बटन ऐड करेंगे जो हमारा रैंडम मील जनरेटर वाला बटन होगा. ठीक है, तो यहाँ पर एक और बटन होगा, इसको हम क्लास कर देंगे जनरेट बटन कर देते हैं, एंड देन इसको आईडी कर देते हैं जनरेट. ओके, तो ये हमारा बटन हो गया. इसको भी हमने आइकन दे देते हैं इसको भी, तो फॉन्ट ऑसम को कॉल करके उसमें एक रैंडम का भी आइकन होता है लाइक दैट. ठीक है, तो ये हमारे बटन्स हो गए, और बस ये हमारा HTML कोड यहाँ तक है इस प्रोजेक्ट में. ठीक है, हमने बेसिकली एक सर्च फॉर्म चाहिए था और रैंडम बटन चाहिए था. बाकी जो भी डेटा आएगा वो सब हम API से फेच करेंगे, उसको हम स्टाइल कर लेंगे CSS से, और फिर हम उसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसको डॉम के अंदर ऐड करेंगे. ठीक है, तो अच्छा हाँ, हमें कुछ प्लेस होल्डर डिव्स चाहिए जहाँ पर हम डेटा को ऐड कर सकें. ठीक है, तो इस डिव के बाहर यहाँ पर कुछ कमेंट्स ऐड कर देते हैं. सर्च फॉर्म, रैंडम मेल जनरेटर बटन. ओके, अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि हम कंटेनर वाले डिव के अंदर ही हैं. ठीक है, लेकिन जो फ्लेक्स वाला डिव है उससे बाहर आ गए हैं. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक जो हमारा कंटेंट है जो API से रिट्रीव होकर आएगा, जो मेल DB वाली API है, उसको हम यहाँ पर शो करना चाहते हैं पेज में, लेकिन वो इस वाले कंटेनर से बाहर होगा, फ्लेक्स वाले डिव से.
ठीक है, तो यहाँ पर हम एक नया डिफ क्रिएट कर लेंगे, तो इसको सिर्फ आईडी दे देते हैं, इसको कर लेते हैं यहाँ जो पहला होगा ना डिफ, उसके अंदर जो हमारा जो टाइटल होगा रिजल्ट्स का वो आएगा यहाँ पर, तो इधर हम कर देते हैं रिजल्ट, रिजल्ट्स हेडिंग। ठीक है, तो इस डिफ के अंदर जो सर्च रिजल्ट्स होगी उसकी उसकी हेडिंग आएगी यहाँ पर। ओके, फिर यहाँ पर कमेंट ऐड कर देते हैं हेडिंग फॉर द सर्च रिजल्ट्स। फिर हमें एक और डिव चाहिए जिसके अंदर जो एक्चुअली जो डेटा रिट्रीव होगा एपीआई से वो शो होगा, तो यहाँ पर हम एक और डिव क्रिएट कर लेते हैं, इसको करते हैं डॉट मील और इसको आईडी असाइन कर देते हैं मील। तो ये है div टू कंटेन द मील्स रिटर्न फ्रॉम एपीआई। सही है, इसके अंदर हम कुछ कंटेंट ऐड नहीं कर रहे, यहाँ पर जो डेटा है वो एपीआई से आके फिर जावास्क्रिप्ट से ऐड होगा। और फिर हमें एक और div क्रिएट करना है, और इस ये वाला जो div होगा इसका काम क्या है कि जो भी मील के ऊपर हम क्लिक करेंगे उसकी डिटेल्स शो कराने के लिए। ठीक है, तो एक और डिव बनेगा, इसको हम कर देते हैं सिलेक्टेड मील। ठीक है, इसको कमेंट करके डिटेल्स ऑफ सिलेक्टेड मील। तो यूआई में हमें वो ये वाले जो अभी हमने डिव्स क्रिएट किए हैं ये अभी नज़र नहीं आएंगे बिकॉज उसके अंदर कुछ कंटेंट नहीं है, लेकिन एम्प्टी डिव्स क्रिएट हो गए। अब हम सीएसएस पर आ जाते हैं। One second. तो ये हमारा हो गया HTML वाला काम। अब CSS के अंदर आके जो इनिशियल जो कंटेंट हमने ऑलरेडी क्रिएट किया है इसको स्टाइल कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद बॉर्डर बॉक्स प्रॉपर्टी, box sizing border box and then body। तो body के अंदर इसको background color assign करते हैं, we can make it dark gray। और font color कर देते हैं white, font family let's go with Arial and then margin 0। ठीक है, तो ये हो गया body। ये और डार्क नहीं हो सकता ये। कलर सिलेक्शन वाला काम बहुत खतरनाक होता है। ये चुभेगा मुझे लग रहा है। कलर खुद से बना लेते हैं फिर। ग्रे का डार्क शेड चाहिए हमें।
okay, you can use that. Networks. Okay, तो ये हो गया body, फिर container. Container के अंदर हमारा जो सारा content है वो आएगा. इसको से कर लेते हैं. चलिए इसको मैं Chrome में open कर लेता हूँ. ओके, सो विद कंटेनर यहाँ पर इसका मार्जिन कर देते हैं ऑटो और इसकी विड्थ अप्लाई कर लेते हैं मैक्स विड्थ 800 पिक्सल्स एंड देन डिस्प्ले एज फ्लेक्स फिर फ्लेक्स डायरेक्शन विल बी कॉलम एंड अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर and text align center. ये हमारा header content हो गया. फिर हमारा जो next content इसको style करना है हमने वो ये वाला जो flex वाला container है. तो then we can do dot flex display as flex. ठीक है, तो ये हमारी सारी सर्च की जो सर्च फील्ड बटन्स ये सारे सिंगल लाइन पर आ गए. अब हमारा जो जो हमारी इनपुट फील्ड है और उसका जो बटन है उसको स्टाइल करना है. तो मतलब ये वाली इनपुट फील्ड और जो सर्च बटन. तो यहाँ पर हम करते हैं इस तरह से कि सेलेक्टर में वी कैन डू इनपुट क्योंकि इनपुट हमारी फील्ड है और बटन. तो इसको हम करते हैं लेट्स डू इट लाइक दिस बॉर्डर और बॉर्डर का लेट्स डू इट 1 pixel सॉलिड एंड कलर लेट्स डू white फिर ओके फिर इसको zoom कर लेते हैं. यहाँ पर हम जो इसका जो 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 इसकी क्या कहते हैं जो border radius है उसको करते हैं update. लेकिन हम क्या करते हैं कि इसकी जो top left radius है वो और बॉटम लेफ्ट रेडियस है उसको हम करते हैं पहले स्टाइल इन दोनों को. तो लेट्स डू दैट फर्स्ट बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस इसको 5 pixels करते हैं फिर बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस 5 pixels. ठीक है, तो ये अभी क्या हुआ है कि हमारा जो सर्च है उसकी जो लेफ्ट साइड वाली जो एज कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड हो गए हैं लेकिन वो बटन्स के भी हों. ठीक है, इसको भी हम अब सही कर लेंगे लेकिन जो इफेक्ट आएगा वो एंड में समझ आएगा कि क्या कर रहे हैं हम. लेकिन बेसिकली ये एक इट लुक लाइक वन पीस. फॉन्ट साइज इसका अपडेट करते हैं लेट्स मेक इट 18 pixels. And then padding करते हैं 10 pixels and 10 pixels and then margin 0. Okay, फिर जो हमारा input है उसको selectively कुछ हम update करते हैं. So we can do like this कि जो input है हमारा उसको select करते हैं और सेलेक्टर के अंदर एक रूल होता है कि आप एट्रीब्यूट की बेसिस पे सेलेक्ट कर सकते हैं. सो इट्स डन लाइक दिस के स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर
आप एट्रीब्यूट बता के उसकी वैल्यू बता सकते हैं कि कौन सी एट्रीब्यूट होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर हम डिफाइन करेंगे तो HTML के अंदर से जो एलिमेंट इनपुट होगा जिसकी टाइप इज टेक्स्ट लाइक दिस वन, वो सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, और इसकी विड्थ कर देते हैं अपडेट। तो ये हमारा सर्च इनपुट हो गया। अच्छा, फिर जो हमारा जो सर्च वाला बटन है ये वाला, इसको हमने स्टाइल करना है। तो इसकी क्लास हमने रखी थी सर्च बटन, तो इसको वी कैन डू कर्सर पॉइंटर फर्स्ट। फिर यहाँ पर हम ऐसे करते हैं कि एक तो हमने ये वाला कवर करना है, तो इसके लिए वी कैन डू इस तरह से कर लेते हैं कि बॉर्डर बॉर्डर रेडियस जो है ना, उसकी ओवरऑल बॉर्डर रेडियस ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये ख़त्म हो जाए। फिर तो ये चारों कॉर्नर्स इसके नॉर्मल कॉर्नर्स हो गए। फिर इसका जो बॉर्डर लेफ्ट है, एक और चीज़ इसकी बॉर्डर लेफ्ट भी ज़ीरो कर देते हैं ताकि कोई बॉर्डर ना आए। और फिर इस तरफ से हमने इसको राउंड कर देना है जैसे हमने यहाँ पे राउंड किया, ठीक है, तो इधर भी राउंड कर देंगे। तो फॉर दैट वी कैन डू बॉर्डर टॉप राइट 5 pixels एंड बॉर्डर बॉटम राइट 5 pixels, ठीक है। तो ये अब एक पीस की तरह लगने लगेगा। अगर इसका बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट कर दें तो ये ऐसे हो जाएगा, अगर वाइट कर दें तो इट लुक्स लाइक वन पीस। जीरो 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 पॉइंट वन, गैस इसको वाइट ही कर देते हैं। अच्छा, तो ये हमारा सर्च बॉक्स हो गया। नेक्स्ट जो हमारा जो रैंडम बटन है उसको भी करना है। तो फॉर दैट हमने जनरेट बटन की क्लास क्रिएट की दी है। जनरेट बटन, इसको भी कर्सर पॉइंटर कर लेते हैं। ओके, फिर इसका इसका जो मार्जिन है लेफ्ट साइड पे मार्जिन ऐड कर लेते हैं। मार्जिन लेफ्ट 10 pixels एंड देन इसके एजेस यहाँ पे स्ट्रेट हुए हैं, तो इसकी ओवरऑल बॉर्डर रेडियस इसको अपडेट कर देते हैं। तो बॉर्डर रेडियस 5 pixels, तो ये हमारा काम हो गया। ओके, थोड़ा सा इसके अंदर रिस्पॉन्सिवनेस ऐड कर लेते हैं। अगर हम स्क्रीन साइज को चेंज करते हैं, वी कैन ऐड अ मीडिया क्वेरी, राइट, मीडिया मैक्स विड्थ अगर होती है 500 pixels, तो फिर हम जो हमारी इनपुट टाइप इक्वल्स टेक्स्ट
इसका जो रूल है वो हम कर देंगे विड्थ 100%। ठीक है, तो जहाँ पर स्क्रीन की विड्थ कम होगी तो इट विल बी 100%, स्क्रीन की विड्थ ज़्यादा होगी जब तो फिर इट विल बी 300 pixels। तो ये हमारा फिलहाल यहाँ तक का जो CSS है ये हो गया। इस पर वापस आना होगा मैं फिर से थोड़ी देर में, लेकिन पहले हम API से डेटा गेट कर लेते हैं, फिर हम दोबारा से जो रिमेनिंग CSS है जो मील्स का जो डेटा शो होगा उसके ऊपर फिर आ जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट हमने अब क्या करना है कि जो API है उसको देख लेते हैं। इट्स कॉल्ड द मील DB। तो इस तरह से इनके पास डिफरेंट रेसिपीज और इंग्रेडिएंट्स और सारी चीज़ें होती हैं और डिफरेंट रीजन से भी है, तो उसमें डिफरेंट कंट्रीज की रेसिपीज भी हैं। okay, तो back. हमें इनकी API यूज़ करनी है। तो API के अंदर इनके पास डिफरेंट एंड पॉइंट्स हैं। So we can go to documentation. So यहाँ पर हमें इनके जो different APIs हैं वो नजर आ रही हैं। Search mail by name। तो अगर हम mail को search कर रहे हैं based on the name, तो हमारा ये endpoint है maildb.com/API search.php and then question mark search equals or and then the search text. We're searching by first letter, list by first letter, look up details by ID. तो किसी मेल की अगर details चाहिए तो उसकी ID से find कर सकते हैं। Single random mail के लिए we can call the random. ठीक है, फिर yeah and so on. Different इनके पास और भी APIs endpoints available हैं। तो firstly हम ऐसा करते हैं कि DOM elements को get कर लेते हैं यहाँ पर। So हमें क्या क्या चाहिए, constant सबसे पहले हमें चाहिए जो हमारा ये जो सर्च वाला जो इनपुट है ये चाहिए हमें, राइट। तो वी कैन कॉल सर्च इक्वल्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी सर्च। फिर जो इसका बटन है सॉरी नॉट द बटन जो हमारा फॉर्म है सबमिट फॉर्म, इसकी आईडी इज सबमिट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी सबमिट। ये हमारा फॉर्म हो गया। फिर हमारा जो रैंडम जनरेट बटन है वो चाहिए। Generate ये आ गया। फिर हमने HTML में जो placeholder divs create किए थे ये वाले, ये भी हमें चाहिए क्योंकि इसके अंदर हमारा data display होगा। तो सबसे पहले results heading get elements by id results setting। okay, फिर हमारा ये वाला component जिसके अंदर हमारी mails होंगी constant mails
equals document dot get element by id meals, or pair constant meal जो single meal है, ये I think हमने इसको क्या assign किया, selected meal. Selected meal equals document dot get element by id selected. तो ये हमारे DOM elements हो गए. हमारा search input, search form, generate button, results heading, meals div and selected meal div. तो ये सारी चीजें हमने JavaScript में import कर लिए. Next हम ऐसा करते हैं कि जो event listeners हैं उस पर काम करना शुरू करते हैं और एक एक करके functionalities को add करते हैं. तो सबसे पहले हमें एक first जो हमारा event listener create करना है वो होगा जब भी हम इस form को submit करेंगे. ठीक है, तो पहला event listener हमारा है listen for click on or not click listen for form submit. ठीक है, तो जो हमारा ये submit वाला जो form है इसके ऊपर हम add event listener करके यहाँ पर listen करेंगे submit. तो जब भी form submit होगा तो हम यहाँ पर एक function run करेंगे. तो इधर हम एक function का नाम दे देते हैं फिलहाल, इसको कर लेते हैं search, search meal. ठीक है, तो ये होगा function. इस function को हमने create करना है. यहाँ पर हम कर लेते हैं function to search the meal using the API. ठीक है, तो यहाँ पर हम एक function create कर देंगे एंड इसका नाम होगा सर्च मील. अच्छा, अब इसके अंदर जो लॉजिक है उसमें क्या करना है, सबसे पहले जब भी हम सबमिट करते हैं ना तो क्या होता है कि ये पेज रिफ्रेश हो जाता है, राइट? तो हमें इसको रोकना है. तो सबसे पहले हम प्रिवेंट फॉर्म सबमिशन एंड रीडायरेक्ट. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो जो फॉर्म सबमिट होता है उसके अंदर एक इवेंट पैरामीटर होता है, तो हम वो यहाँ पर पास कर देंगे इवेंट पैरामीटर. और इवेंट पैरामीटर के अंदर जाके हम कॉल कर लेंगे एक मेथड कॉल्ड प्रिवेंट डिफॉल्ट. इससे क्या होगा कि जब हम सबमिट करेंगे तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा. ठीक है, बेसिकली जो रिफ्रेश रीडायरेक्ट हो रहा है वो रुक जाएगा. नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा जो भी टेक्स्ट यहाँ पर इनपुट हुआ होगा उसकी वैल्यू को हमने गेट करना है ताकि हम एपीआई को सेंड कर सकें. तो वी हैव टू डू गेट द वैल्यू फ्रॉम इनपुट फील्ड, सर्च इनपुट फील्ड. ठीक है, तो यहाँ पर हम एक कॉन्स्टेंट के अंदर कर देते हैं सर्च टेक्स्ट इक्वल्स, और इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, फ्रॉम दिस इनपुट. तो ये वाला जो सर्च इनपुट है इसको हमने सर्च के अंदर ऐड किया हुआ है यहाँ पर, और इसकी अगर हमें वैल्यू चाहिए तो वी कैन जस्ट गेट द वैल्यू. ठीक है, तो अब हमारे पास जो भी डेटा होगा इस फील्ड के अंदर वो हमारे पास सर्च टेक्स्ट में आ जाएगा. तो वी कैन डू लाइक अ लॉग सर्च टेक्स्ट. इसको अगर हम चेक करें कंसोल में, तो जब हम नॉर्मली सबमिट कर रहे हैं एम्प्टी फील्ड के साथ तो कुछ भी लॉग नहीं हो रहा. इफ आई सबमिट विद माय नेम तो सबमिट विद जो भी वैल्यू है वो सर्च टेक्स्ट के अंदर आ गई.
अब हम क्या करेंगे कि जब भी हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, हमें करना क्या है, हमें मेक श्योर करना है कि जो फील्ड है उसके अंदर कुछ वैलिड डेटा है. अगर डेटा है तो हम API कॉल करेंगे, अगर डेटा नहीं है तो फिर हम एरर कोई शो कराएंगे कि आपने कुछ सर्च किया नहीं है. ठीक है, तो ये हटा देते हैं यहाँ से और यहाँ पर हम लगाते हैं चेक इफ फील्ड इज एम्प्टी, सर्च इनपुट फील्ड इज एम्प्टी. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इफ कंडीशन होगी. इफ के अंदर हम क्या करेंगे, सर्च टेक्स्ट को चेक करेंगे कि क्या इसके अंदर डेटा है या नहीं. ठीक है, तो अगर हम इस तरह से छोड़ देते हैं इफ सर्च टेक्स्ट, तो हम यहाँ पर इस तरह से इफ एंड एल्स लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं कि अगर सर्च टेक्स्ट है मतलब वैल्यू एम्प्टी नहीं है, तो हम यहाँ पर कर देते हैं कंसोल लॉग और इसमें हम सर्च सर्च टेक्स्ट को शो करा देंगे और अगर सर्च टेक्स्ट में वैल्यू नहीं है तो फिर हम अलर्ट शो करा देते हैं और इसमें हम कह देते हैं नो या प्लीज एंटर सर्च कीवर्ड. ठीक है, तो इस तरह से हम इफ कंडीशन ऐड कर सकते हैं. तो लेट्स ट्राई इट. अगर अभी हम इसको सबमिट कराते हैं तो हमारे पास एरर आ जाएगा प्लीज एंटर सर्च कीवर्ड. अगर हम कुछ नॉर्मल टेक्स्ट ऐड करते हैं तो एरर नहीं आएगा, लॉग हो जाएगा. ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और आपको नोट करनी है कि अगर हम इसको एम्प्टी स्पेस ऐड करके सबमिट करते हैं तो इट वर्क्स. ठीक है, क्योंकि इसको लग रहा है कि कुछ कंटेंट है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि एम्प्टी नहीं है. इवन अ स्पेस, स्पेस का मतलब ये है ना कि एम्प्टी नहीं है. तो सर्च टेक्स्ट को हम क्लीन अप कर लेते हैं. यहाँ पर वी कैन ऐड अ फंक्शन कॉल्ड ट्रिम. ट्रिम क्या करेगा कि जो भी एम्प्टी स्पेसेस हैं सर्च वर्ड के शुरू में या बाद में, उनको रिमूव कर देगा. तो अगर अब मैं स्पेस ऐड करके सर्च करता हूँ तो इट विल स्टिल रेज अ एरर. ठीक है, क्योंकि एम्प्टी स्पेसेस को वो ट्रिम कर देगा. ओके, अब हम करते ये हैं कि अगर हमारे पास वैलिड कुछ डेटा है, ठीक है, तो हमने लॉग तो एक्चुअली में नहीं करना है, हमें क्या करना है कि हमें API कॉल करनी है, राइट. तो यहाँ पर हमें करना है फेच डेटा फ्रॉम API. अच्छा, तो हम क्या करेंगे कि API में जाके देखते हैं दोबारा से. तो हमारे पास एक तो ये है सर्च मेल बाय नेम. ठीक है, तो इस वाले एंड पॉइंट पे अगर हम क्वेरी करते हैं तो लेट्स ट्राई दैट. तो ये वाली इस एंड पॉइंट को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम फेच करते हैं. तो फेच API यूज कर लेंगे. तो फेच कॉल, फेच कॉल के अंदर हमने एंड पॉइंट बताना होता है, राइट, कि कहाँ पर हमने सर्च करना है. तो वी सेंडिंग टू दिस एंड पॉइंट, राइट. अच्छा, अब इसके अंदर एक तो हम इसको एक टेम्पलेट लिटरल बना लेते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पर क्योंकि हम जो क्वेरी सेंड करेंगे यहाँ पर ये s equals के बाद यहाँ पर हमारा जो एक्चुअल जो सर्च वर्ड है वो आएगा यहाँ, राइट. तो वी एक्चुअली डोंट नीड दिस, हमें चाहिए जो इस सर्च फील्ड की वैल्यू है, राइट. तो वो हमने ऑलरेडी सर्च टेक्स्ट के अंदर ऐड किया हुआ है. ठीक है, तो हम यहाँ पर फिर
जो सर्च टेक्स्ट है उसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा, तो ये हमारी फेच रिक्वेस्ट हो जाएगी, एंड पॉइंट हमारा, और उसके अंदर जो वैल्यू है जिसको सर्च करना है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फेच हो गया। अच्छा, ये फेच क्या करेगा, ये हमें प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो हमें उसको कैच करना है। इसमें विल हैव रिस्पांस और इसको हम जेसन में कन्वर्ट करेंगे। ये अगेन हमें प्रॉमिस देगा, तो देन अगेन डॉट देन, फिर हम डेटा को यूज करेंगे। अब हम यहाँ पर लॉक कर लेते हैं डेटा को, एंड लेट्स सी कि क्या रिजल्ट आता है। तो नाउ अगर एम्प्टी बे सर्च करेंगे तो एरर आएगा, अगर यहाँ पर कुछ वैल्यू ऐड करते हैं तो सर्च अनएक्सपेक्टेड नॉट फाउंड। टेस्ट एपीआई की चलनी तो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको रन करें, नॉट फाउंड, इसके आगे why is it adding, इट्स वर्किंग एट लीस्ट। अच्छा, दोबारा से इसको ट्राई करते हैं। डॉलर क्या था, सर्च टेक्स्ट, सर्च टेक्स्ट, or is it shoe, okay, is it s, okay, so ye hamara data aa gaya, test kuch I guess exist nahi karta hoga, let's try pizza, to hamare paas kuch data aa gaya, theek hai, jo bhi hum search kar rahe hain. If we do like search chicken, so there's like 25 meals. सही, क्योंकि ये जो name है name के ऊपर search कर रहा है. Okay. Anyway, तो ये हमारा endpoint हो गया and we've got the data. अच्छा, अब जब हमारे पास data आ गया, तो हमने अब क्या करना है कि जो
जो सर्च रिजल्ट्स हैं इसको हमने डिस्प्ले कराना है डॉम के अंदर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो टेक्स्ट है, जो जो उसकी हेडिंग है, सर्च रिजल्ट्स की हेडिंग है, उसको हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, और वहाँ पर डायनामिक हेडिंग डिस्प्ले कराते हैं। तो यहाँ पर हम इंस्टेड ऑफ कंसोल लॉग इसको रहने देते हैं, मतलब यहाँ पर हम ऐड करते हैं जो हमारी रिजल्ट्स हेडिंग है उसको अपडेट करते हैं, इनर एचटीएमएल को रिप्लेस करते हैं। एंड नाउ यहाँ पर हम टेम्पलेट लिटरल क्रिएट कर लेते हैं, इधर एक H2 एलिमेंट ऐड कर लेते हैं हेडिंग के लिए, और जो इसका टेक्स्ट होगा यहाँ पर हम कर सकते हैं सर्च रिजल्ट्स फॉर, और फिर इधर हम एक वैल्यू ऐड कर देते हैं अगेन जो सर्च किया था। तो नाउ अगर हम दोबारा से सर्च करें डू पिज़्ज़ा, तो फिर क्या होगा कि अभी हमने क्यों नहीं आ रहा, देयर वी गो। ठीक है, तो सर्च रिजल्ट्स फॉर पिज़्ज़ा, ये वैल्यू हमारी आ गई फ्रॉम द सर्च। ठीक है, और फिर हमारे पास अभी कंसोल लॉग हमने रिमूव नहीं किया, तो हमारे पास अभी डेटा यहाँ पर भी आ अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हम ये चाह रहे हैं कि जो डेटा यहाँ पर फेच हो रहा है उसको हम डिस्प्ले करा दें यूआई के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मेक श्योर करना होगा कि कुछ वापस आया है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कमेंट ऐड कर लेते हैं अपडेट रिजल्ट्स हेडिंग, फिर हम यहाँ पर चेक करेंगे अगर जो रिजल्ट है उसमें कुछ डेटा आया है या नहीं, चेक इफ एनी मेल्स रिटर्न फ्रॉम एपीआई। सही, तो ये हम कैसे करेंगे कि इफ डेटा डॉट मेल्स, क्योंकि डेटा के अंदर वी हैव मेल्स। सही, तो इफ डेटा डॉट मेल्स इज इक्वल टू नल, क्योंकि जब हमने हमारे पास कुछ भी टेक्स्ट नहीं होता रिजल्ट में तो इट्स नल। ठीक है, तो अगर मील्स नल है तो इसका मतलब कि कुछ भी डेटा नहीं आया। ठीक है, तो उस केस के अंदर हम रिजल्ट्स को दोबारा से अपडेट करेंगे। ठीक है, रिजल्ट्स हेडिंग को दोबारा से अपडेट करेंगे, और यहाँ पर जो मैसेज है हेडिंग का उसको अपडेट कर देंगे। तो इसको हम कह देंगे देयर आर नो इस कर लेते हैं नो रिजल्ट्स फाउंड फॉर सर्च टेक्स्ट। ठीक है, तो अगर इसमें टेस्ट ऐड करते हैं तो नो रिजल्ट्स फाउंड फॉर टेस्ट, अगर हम पिज़्ज़ा ऐड करते हैं तो सर्च रिजल्ट्स फॉर पिज़्ज़ा। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे नीचे जो रिजल्ट्स हैं वो शो भी करा देंगे। अब हमने क्या करना है कि जहाँ पर भी हमें डेटा रिटर्न होता है तो फिर हमने जो मील्स का जो डेटा है वो एक अरे के अंदर आ रहा है। ठीक है, और अरे के अंदर भी है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, तो अगर सिर्फ सिंगल रिजल्ट है तो अरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, और अगर हम यहाँ पर जैसे सर्च करते हैं फॉर चिकन, तो फिर हमारे पास अरे के अंदर वी हैव 25 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हर ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट रेसिपी है। ठीक है, और हर रेसिपी की अपनी अलग यूनिक आईडी भी है। अच्छा, तो अब हमने जब इसको डिस्प्ले कराना है यहाँ पर यूआई के अंदर, तो हमें करना क्या होगा कि अरे के ऊपर वी हैव टू मैप, सही है, हर मील के ऊपर मैप करेंगे और हर मील के लिए एक डिव क्रिएट करेंगे। ठीक
ठीक है, और उस div को फिर हम UI में ऐड कर देंगे। तो इसको अब हम यहाँ पर, तो if if meals are null तो हमने ये हेडिंग अपडेट करा दी, ठीक है। और अगर नल नहीं है, मतलब डेटा है हमारे, तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो हमारा मील्स का जो कंटेनर है जिसके अंदर मील्स का डेटा आएगा, मील्स को एक्सेस करके यहाँ पर हम इसकी इनर एचटीएमएल को अपडेट करेंगे, और यहाँ पर विल डू समथिंग विद द डेटा डॉट मील्स, ठीक है। डेटा डॉट मील्स के अंदर हमारा अरे है, इसके ऊपर हम मैप फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। और मैप के अंदर वी हैव टू गिव अ फंक्शन, राइट। तो हर इटरेशन में हमारे पास मील है, तो वी कैन गिव अ मील एज अ इनपुट टू फंक्शन, और यहाँ पर हम एक एरो फंक्शन कॉल कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। और रिटर्न के अंदर हम एक टेम्पलेट लिटरल बना लेते हैं कि शो क्या कराना। तो एक डिव बनाएंगे, ठीक है, हर हर मील ऑब्जेक्ट के लिए एक डिव बनेगा, उस डिव को हम क्लास असाइन कर देंगे मील, ठीक है। एंड देन हर डिव के अंदर फॉर ईच मील हम उसका डेटा शो कराएंगे। तो अगर हम एक अरे ऑब्जेक्ट को खोलें यहाँ पर, लेट्स ओपन दिस वन, तो इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन उस मील की अवेलेबल है, ठीक है। इंग्रेडिएंट सारे हैं, फिर उसकी लुक्स लाइक मेजरमेंट्स हैं, और इमेज का है, ये इसका इमेज है, ठीक है। str meal thumb, आई गेस इट्स स्ट्रिंग meal thumb, एनीवे इस वैल्यू के अंदर जो ये वाली मील है इसका इमेज है, ठीक है। तो एक हम इमेज एलिमेंट बना सकते हैं, ठीक है, और इसके साथ हम इमेज में हम सोर्स एट्रीब्यूट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो सोर्स के अंदर वी हैव टू गिव द वैल्यू, तो यहाँ पर हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं मील के अंदर, इस मील के अंदर वी हैव दिस वैल्यू मील थंब, तो ये सोर्स हो गया। तो इससे जो URL वैल्यू है वो आ जाएगी, सॉरी ये वो डेटा देखना था एक्चुअली में। दूसरी जो चीज है उसका उसका नाम हमें चाहिए, दैट्स दिस स्ट्रिंग मील, ठीक है। तो हमारे पास इमेज आ गया, और फिर हमें साथ में ऑल टेक्स्ट के अंदर वी कैन गिव द नेम ऑफ मील, तो इट्स मील डॉट स्ट्रिंग मील, ठीक है। तो ये हमारा इमेज हो गया। अगर अभी हम इसको सर्च करें तो हमारे पास एक रिजल्ट आ रहा है, उसका इमेज आ गया, ठीक है। अभी हमने स्टाइलिंग नहीं किया तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इसका साइज ह्यूज लग रहा है, इसको हम अभी फिक्स कर लेंगे। फिर हम एक और चीज़ करेंगे, हर मील के लिए हमने इमेज शो करा दिया, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि एक और डिव ऐड करेंगे यहाँ पर, और उस डिव के अंदर हम ऐसे करेंगे कि
अगर बेसिकली अगर मील की एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये इसके लिए बनाएंगे। सो यहाँ पर एक डिव बनाते हैं, ठीक है चल। और इस डिव को हम क्लास देंगे, क्लास विल बी मील इन्फो, क्योंकि इस ये जैसे पिज्जा है, इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो इसकी क्लास ही हो जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे कि हम एक कस्टम HTML5 एट्रीब्यूट भी ऐड करेंगे। अच्छा, कस्टम HTML5 एट्रीब्यूट जब ऐड करते हैं तो जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है उसमें क्या होता है कि जो एट्रीब्यूट का नाम होता है उसको डेटा एट्रीब्यूट कहते हैं बेसिकली। तो शुरू में वी हैव अ डेटा कीवर्ड, फिर डैश, एंड देन जो भी हम एट्रीब्यूट का नाम देना चाह रहे हैं, तो इसको हम कर देंगे मेल आईडी, ठीक है। मेल आईडी हो गया, एंड देन इसकी जो वैल्यू है वो आएगी फ्रॉम द मेल ऑब्जेक्ट। इसकी आईडी का नाम है आईडी मेल, ठीक है। सो वी कैन हैव मेल डॉट आईडी मेल। तो ये हमारा आईडी हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इस ये वाला जो डिव हमने क्रिएट किया है इसके अंदर यहाँ पर हम इस ईमेल कह रहा हूँ मेल का नाम डिस्प्ले कराएंगे। सो वी कैन हैव अ हेडिंग 3, और इसके अंदर जो हमने ये वाला मील का जो नाम फाइंड किया था वो डिस्प्ले करा। सो लेट्स ट्राई अगेन, ठीक है। तो हमारे पास इमेज आ गया और फिर हमारे पास जो इसका टेक्स्ट है वो भी आ गया फॉर द नेम ऑफ द रेसिपी। अच्छा, ये हमने किया है यूजिंग द मैप मेथड, राइट। हमने मील्स अरे के ऊपर मैप मेथड रिटर्न किया है और हमारे पास ये इटरेशन के थ्रू ऐड हो रहा है कंटेंट। तो अभी इस सर्च रिजल्ट का सिर्फ एक रिजल्ट था तो इसलिए हमारे पास सिर्फ एक इमेज शो हो रहा है यहाँ पे। बट रिमेम्बर जब हमने चेक इन सर्च किया था तो हमारे पास मल्टीपल रिजल्ट आए थे। तो अगर हम ऐसा कुछ कॉन्टेंट सर्च करेंगे तो सारी जो भी चिकन की रेसिपीज हैं वो सब यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है, ऑल 25। अच्छा, अब इसका जो फॉर्मेट, ये जो ऑब्जेक्ट है, हमने क्योंकि मैप फंक्शन रिटर्न किया था तो मैप फंक्शन का जो आउटपुट होता है अगर आपको याद हो तो वो खुद एक अरे होता है। तो दिस इज एक्चुअली एन अरे, राइट। तो अगर हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो मैप मेथड के बाद हम क्या करेंगे कि जब मैप मेथड एंड हो रहा है यहाँ पर तो इसके बाद विल रन जॉइन मेथड, और जॉइन में हम सिर्फ एक एम्प्टी स्ट्रिंग अप्लाई करते हैं। अगर आप दोबारा से सर्च करेंगे पिज्जा ठीक, तो अब ये अरे फॉर्मेट में नहीं है, अब नाउ दिस इज अ स्ट्रिंग। तो सबसे ऊपर ही चिकन हांडी आ गई है एंड अब भूख लग गई है। सो नेक्स्ट नेक्स्ट हम हमारा जो डेटा है मील्स का वो डिस्प्ले हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन अभी तक यही वाला चल रहा है जो सर्च मील वाला फंक्शन है। सो ये हमारी फेच कॉल कंप्लीट हो गई है। अच्छा, फेच के बाद हमने करना क्या है कि जो जो हमारा फॉर्म के अंदर जो डेटा है ये वाला टेक्स्ट इसको क्लियर करना है क्योंकि सर्च हो गया, राइट। तो सर्च के बाद
कहाँ पर करें, कैन डू इट आफ्टर फेच, इधर कर लेते हैं, क्लियर द सर्च टेक्स्ट। तो सर्च टेक्स्ट को क्लियर करने के लिए हम सिर्फ जो सर्च का एलिमेंट है उसकी वैल्यू को अपडेट कर देंगे टू एम्प्टी स्ट्रिंग। तो जब हम सर्च करेंगे तो रिजल्ट्स आ जाएंगे और फील्ड दोबारा से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा एपीआई कॉल वाला काम हो गया, अब हमारे पास डेटा आ रहा है। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने इसको इसकी जो सीएसएस है वो ऐड करनी है, क्योंकि हमने वो वाली सीएसएस जो मील डेटा वाली सीएसएस है वो ऐड नहीं की थी, राइट। तो लेट्स डू दैट नेक्स्ट। यहाँ पर अब हमने करना है क्या है कि जो डिफरेंट मील्स हैं उनको हमने स्टाइल करना है, राइट। अच्छा, ये डेटा सारा एपीआई से गेट किया हमने और हमने उस सबको ऐड किया है इनटू दिस डिव। दिस शुड बी मील्स, अच्छा तो हम यहाँ पर मील्स को असाइन करेंगे क्लास। तो ये हमारा सेलेक्टर हो गया। नेक्स्ट हम इसको स्टाइल करते हैं। अच्छा, बेसिकली जब हम कोई सर्च करते हैं जिसमें रिजल्ट्स ज़्यादा हैं तो वहाँ पे हमें ग्रिड लाइक व्यू चाहिए होती है, राइट। इवन जैसे इनका जो अपना होम पेज है यहाँ पर भी इन्होंने ग्रिड व्यू बनाई थी, राइट। तो इसी टाइप का कुछ हम क्रिएट करते हैं। सो मील्स के अंदर यहाँ पर डिस्प्ले विल बी ग्रिड। ओके, तो ग्रिड हो जाएगा। अच्छा, फिर हम यहाँ पर फोर कॉलम ग्रिड बना लेते हैं। तो फॉर दिस विल डू ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, और यहाँ पर होगा रिपीट, और इसकी वैल्यू में विल हैव फोर, क्योंकि फोर कॉलम्स होंगे, और इट विल बी वन फ्रैक्शन लाइक दिस। ठीक है, तो अभी क्योंकि इमेज का साइज बड़ा है तो इसलिए इट्स वियर्ड, लेकिन ये फोर ग्रेड सिस्टम बन गया, राइट। हर एक रो में फोर मील्स आ रही हैं, ठीक है, एंड लास्ट में सिर्फ एक रह गई, तो इट्स जस्ट वन। ओके, तो ये हमारा फोर ग्रेड व्यू बन गया। नेक्स्ट, जो ग्रिड गैप से हम ग्रिड के कॉलम्स के बीच में स्पेस ऐड कर सकते हैं, ओके, एंड देन मार्जिन ऐड कर लेते हैं थोड़ा, मार्जिन टॉप इज गोइंग टू बी ओके, ठीक है। तो ये हमारा डेटा आ गया। गलत साइड पे ज़ूम कर रहा हूँ, हियर। तो ये हमारी मील्स डिस्प्ले हो गई। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि ये हो गया हमारा मील्स वाला डिव, ये वाला, ठीक है। फिर हमने क्या किया है कि जब हमने जावास्क्रिप्ट से ऐड किया है तो हमने क्लास ऐड किया मील, ओके। तो अभी हमने जो स्टाइलिंग किया है दैट वाज फॉर मील्स। मील्स बेसिकली हमारा कंटेनर है जिसके अंदर ये सारा डेटा है। हमने क्या किया है कि जावास्क्रिप्ट में जाके मील्स के अंदर हमने मैप फंक्शन रन किया है, और हर जो ये अरे वापस आता है हमारे पास, हर ऑब्जेक्ट के लिए हमने एक डिव नया क्रिएट किया है और उसको क्लास असाइन किया मील, ओके, और उसके अंदर वी हैव द इंडिविजुअल आइटम्स इस तरह से, और हर ऑब्जेक्ट के लिए वी क्रिएटिंग अ सेपरेट डिव, और उस डिव की क्लास मील। तो अगर हम मील को स्टाइल करेंगे ना, मील
तो फिर क्या होगा कि जो ये वाले इंडिविजुअल डिव्स हैं इनको स्टाइल कर देंगे. ओके तो अच्छा, और ये इंडिविजुअली दीज शुड बी लिंक्स, क्योंकि इस पर क्लिक करें तो इसकी इंडिविजुअल मील की डिटेल्स हमें शो कराएं. तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कर्सर पॉइंटर, क्योंकि ये क्लिकेबल होगा. पोजिशन रिलेटिव, ताकि जो इसकी हेडिंग है उसको हम एब्सोल्यूट कर सकेंगे. अच्छा, फिर इसका इमेज साइज भी हमें अपडेट करना है, तो इसका जो डिव साइज है वो फिक्स कर लेते हैं. लेट्स डू हाइट 180 पिक्सल्स एंड विथ 180 पिक्सल्स. फिर टेक्स्ट अलाइन सेंटर. ओके तो ये हमारा ग्रिड की जो ये जो साइजिंग है डिव्स की वो अपडेट हो गई है. जो लास्ट वैल्यूज हैं वो ओवरफ्लो हो रही हैं, तो इग्नोर दैट फॉर नाउ, वो भी ठीक कर लेते हैं. क्योंकि हमने इमेज को साइज नहीं किया अभी, राइट? तो नेक्स्ट हम इमेज को साइज कर लेते हैं. तो मील के अंदर अगर हमारे पास इमेज है तो उसकी स्टाइलिंग, तो वी कैन डू विड्थ 100% एंड हाइट 100%. ओके तो इमेज साइज आर गुड. फिर इसका जो बॉर्डर है वो अप्लाई कर लेते हैं, कुछ बॉर्डर 2 पिक्सल्स वाइट सॉलिड. एंड देन बॉर्डर रेडियस, फाइव पिक्सल्स. ये हो गया. अच्छा, अब ये वाला जो कंटेंट, जो इसका डेटा है ये वाला, ये एक्चुअली हमें नीचे शो नहीं कराना, इसको हम शो कराएंगे जब हम इमेज के ऊपर हवर करेंगे. ठीक है, सो वी कैन डू इट डिफरेंटली. इसकी जो क्लास है, वी हैव इट एज मेल इन्फो. इस क्लास को भी स्टाइल कर लेते हैं, मेल इन्फो. जब मेल इन्फो में इसकी पोजीशन हो जाएगी एब्सोल्यूट. और इसको हम वी कैन मेक इट टॉप 0, लेफ्ट 0. फिर इसकी हाइट एंड विड्थ साइन कर लेंगे. हाइट 100%, विड्थ 100%. फिर इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर RGBA, एंड ब्लैक को हम ट्रांसपेरेंसी दे देते हैं दैट. और इसको करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, और इसको सेंटर कर लेते हैं. अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर. ये सारा कंटेंट सेंटर में आ गया. एंड नेक्स्ट इसको करते हैं इस पे ट्रांजिशन अप्लाई कर लेते हैं. ट्रांजिशन ओपेसिटी पे हाफ अ सेकेंड एंड ईज इन. तो ये वाला जो स्टाइल है ये
नॉर्मली शो नहीं होना चाहिए इस तरह से, नॉर्मली सिर्फ इमेज शो होना चाहिए, लेकिन जब हम इमेज पे हवर करें तो इस तरह से दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इनिशियली इनिशियली यहाँ पर जो ओपेसिटी की वैल्यू है उसको हम कर देंगे ज़ीरो, ठीक है, ताकि जब लोड होगा पेज तो नहीं नज़र आएगा बैक ये जो ओवरले था, ओके। फिर हम क्या करेंगे कि जब हम हवर करेंगे फिर इसको हम डिस्प्ले कराएंगे। तो ये कैसे होगा कि जब हम मील के ऊपर हवर करेंगे तो फिर हम मील इन्फो को सेलेक्ट करके वी कैन मेक इट ओपेसिटी 1। सो अगर माउस हवर होगा तो देन वी कैन गेट दैट इफेक्ट, ओके। तो ये वाला काम हो गया हमारा। नाउ व्हाट्स लेफ्ट, अगर हम किसी पे क्लिक करें किसी भी मील के ऊपर तो फिर हमें इसका जो सेलेक्ट इसको सेलेक्टेड मील का जो भी जिस पे भी हम क्लिक करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन शो करनी है, ठीक है। तो आई थिंक हमारे पास उसके लिए इतना टाइम आज की क्लास में बचा नहीं है, सो मे बी इसको हम कल फिनिश करें बिकॉज इट माइट टेक अ लिटल बिट ऑफ टाइम। तो आई थिंक यहाँ पर हम आज के लिए स्टॉप कर लेते हैं।